तोसाम से आज बीजेपी की उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने नामांकन भरा है और भारी भीड़ जो है वो तोसाम की अनाज मंडी में जुटी थी, उन्होंने नामांकन भरा। मेरे साथ राज्यसभा की सांसद किरण चौधरी हैं। मैम, आज तोसाम के जो लोग इस नामांकन में पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं जो 5 तारीख को वोटिंग होनी है उसको, इस भीड़ से कैसे आंकते हैं आप? खुद ही आपने देखा होगा जिस तरह से उत्साह लोगों के अंदर था, जो रिस्पॉन्स लोगों के अंदर है, तो ये तो हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि हमारा घर हमारा परिवार है और इस परिवार ने हमारे को जो है संभाल के रखा है शुरू से। और ये 5 साल में जब भी ये मौका आता है तो इस परिवार ने कभी भी हमारे को जो है नीचा नहीं देखने दिया, हमेशा जो है आगे ही आगे बढ़ाया है। और वही कारण है कि हम बढ़ चढ़ के जो हैं आज काम कर पाए हैं और आने वाले समय में मुझे जो ये जिम्मेदारी मिली है केंद्र के अंदर, अब जो है तो शाम की आवाज़ जो है और हरियाणा की आवाज़ केंद्र के अंदर गूंजेगी। मैम, आपने मंच पे एक बात कही, आपने कहा कि विरासत की बात हो रही, विरासत तो राजा महाराजाओं की होती है, हमारी विरासत तो ये भिवानी के लोग और तोशाम के लोग हैं। बिल्कुल सही, विरासत बिल्कुल सही कहा कि ये राजे महाराजाओं का थोड़ा ना हमारा सिलसिला है, हम तो जमीन के लोग हैं, जमीनी स्तर के ऊपर बैठे हैं। और चौधरी बंसीलाल जी जो हैं वो भी एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री बने और पूरे हरियाणा का जो है चहुमुखी विकास करा। और उनका आज नाम जो है उनका एक लोहा पुरुष और एक विकास पुरुष के नाम से जो निर्माता हरियाणा के हैं वो उनकी किताब उनको मिला हुआ है। और उनके साथ साथ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उनके सारथी के रूप में काम करा करते थे। तो आज हरियाणा में पूरी जगह जहाँ भी चले जाओ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के और बंसीलाल जी के समर्थक सारी जगह मिलते हैं। और इसीलिए जो अब चौधरी बंसीलाल जी ही इस सीट से हमेशा लड़ा करते थे, उसके बाद जो है सुरेंद्र सिंह जी ने कमाल संभाली। और आप जानते हैं 77 के अंदर जब पूरी एंटी वेव थी कांग्रेस के प्रति, उस समय जो है निर्दलीय जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह अकेले जीत के आए थे पूरे हलके से। हाँ, अकेले जीत के आए थे। और साथ के साथ अब जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद जो है मुझे फिर दिल्ली से चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाया और कहा कि अब भाई दिल्ली छोड़ो और अब तुम्हारे को तोशाम आना पड़ेगा और तोशाम को संभालना है जब तक श्रुति जो है वो जो है आगे लेने के लिए जो है तैयार करना पड़ेगा आपको श्रुति को। तो श्रुति जो है उस समय बहुत छोटी थी, आप जानते हो, हरियाणा में मैं आई, मैं अपना दिल्ली की राजनीति बनी बनाई सारा कुछ आप जानते हो सारा छोड़ के आई। बहुत समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे थोड़े ही चंद दिनों के आने के बाद चौधरी बंसीलाल जी का निधन हो गया। और उसके बाद फिर जो कायवाद शुरू हुआ, ये जो आज अपने आप को विरासत की वो जो हकदार मांग रहे हैं सारी दुनिया जानती है इनके बारे में, क्या बोलना। ये तो जो है ये तो उस स्तर पे उतर आए थे कि जिस बाप के आंखों के अंदर आंसू छलकते हुए देखे हैं मैंने कि जब शादी हो घर में और बाप और माँ को आने ना दिया जाए, भाई को आने ना दिया जाए और ये कहा जाए कि तुम्हारी टांगे लाते तोड़ देंगे हम, तो फिर क्या रह क्या गया। तो हमेशा से इन्होंने तो विरोध करा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह का विरोध करा, उस समय सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ लड़े और वही परंपरा आगे लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर ये उस समय श्रुति के हाथ सिर के ऊपर हाथ रख देते और कहते कि बेटी अब तेरे को हम संभालेंगे तो शायद मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इन्होंने तो वो काम करा जो बेटी का हक था वो जो है ताऊ ने मारा, सारा का सारा जो है श्रुति का पूरा संपत्ति जो सुरेंद्र सिंह जी की निजी संपत्ति है उसके ऊपर डोरे डाल के बैठे हुए हैं। ये बेटा अपने बाप को समझा सकता था, ये भी वैसे ही उसी तरह से उसी पदचिन्हों के ऊपर चला। तो ये फिर परिवार नहीं है, ये परिवार वो होता है जो परिवार संजोता है, साथ देता है। ये हमारा परिवार तो ये है, ये लोग जो है साथ खड़े, आप इसको परिवार मानते हैं, आपने मंच पे भी कहा कि हमारी विरासत। हाँ, ये है हमारी विरासत, श्रुति ने भी यही कहा, ये है हमारी विरासत, इनका जो प्रेम है वो हमारी विरासत है, इनकी जो लगन है वो हमारी विरासत है। और ये विरासत को कायम रखने के लिए मैं और श्रुति यहाँ पे तत्पर दिन और रात एक करेंगे। तो शाम को नंबर 1 पहले भी बनाया और आगे और भी बनाएंगे। इस बार भी आपके साथ लोग आपके साथ हैं और श्रुति फिर विधानसभा पहुंचेगी, श्रुति फिर से विधानसभा पहुंचेगी आपकी जगह पर, अब श्रुति पहुंचेगी, आप इन लोगों के विश्वास के आधार पर दावा कर रहे हैं। ये आपने खुद ही देख लिया, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। और ये जनता की आवाज़ इसलिए है क्योंकि हम जो हैं दोनों माँ बेटियों ने बहुत ईमानदारी से काम करा है, बिल्कुल बेदाग छवि है, काम करने वाले लोग हैं। चौधरी बंसीलाल जी का नाम
और जो है उनका काम नीचे नहीं होने दिया श्रुति ने, और इनके समर्थकों का जो है हमेशा जो है नाक ऊंचा रखा है। कोई हमारा समर्थक जो है शर्म के मारे नाक नीचे नहीं कर सकता, जो सही हमारा समर्थक है, क्योंकि वो जानते हैं हमने तो अपने तहे दिलों से काम करा है और ऐसे समय पर काम करा है जो मुश्किलों के साथ। अब ये जो है हुड्डा सरकार जब थी तो हमारे को तो पाकिस्तानी की तरह जो है ट्रीट करा जाता था, क्योंकि वो जानते, वो हर तरीके से, वो आदमी जो भी सक्षम होगा, पढ़ा लिखा है, सक्षम है, उसको जो है ख़त्म करना चाहते हैं राजनीति में, और वो उन्होंने करके दिखाया। अभी आप देखिए आज जो है, अभी तक जो है फाइनल लिस्ट जो है 3 बजे आखिरी टाइम है और अभी तक जो है लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ केवल और केवल ये नौटंकीबाजी रह गई है, ये खाली जो है पता नहीं क्या क्या सिलसिला नहीं चलता वहाँ। सवाल है मैम, कांग्रेस की जो सूची है उसमें शैलजा जी कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती थी, उनको टिकट नहीं मिली है, इस सूची के आने के बाद आप कांग्रेस की हालत पर क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये बाप बेटा पार्टी है, इसमें कांग्रेस का तो नाम निशान रह गया, बाकी क्षेत्रीय दलों की तरह ये भी बन गया, लेकिन बाकी क्षेत्रीय दलों ने मेहनत करी है, उन्होंने अपना काम करा, ये तो कांग्रेस का नाम पे जो है पक्की पकाई रोटियां सेकने का इन्होंने काम करा है, हर एक आदमी को जो है इन्होंने खराब करा है, और वो आज जो है शैलजा के साथ, रणदीप के साथ हो गया, रणदीप एक अपने बेटे की टिकट ले पाया, शैलजा जी के साथ जो हुआ है वो सबके सामने है, जो उनके खास लोग थे उनकी टिकट नहीं होने दी, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, तो ये तो इन्होंने तो हाथ मिला रखे हैं हमारे से, और हम तो बड़े राजी हैं इसी तरह से हाथ मिलाए जाएं। हमारे साथ जो है वो किरण चौधरी थी, जो दावा कर रही है कि इस बार फिर से तो शाम में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और श्रुति चौधरी जो है वो यहाँ से चुनाव जीतेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी तो शाम।